नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से महानवमी एवं दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं में एक नया एडिशन भारत सरकार की ओर से फाइनली आ गया कि भारत सरकार ने कल यानी 23 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से मॉरेटोरियम पर जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की प्रावधान थी जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भारत सरकार को बोला कि आप 15 नवंबर तक का टाइम क्यों चाहते हैं क्यों ना इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के व्यवहार की जल्दी घोषणा की जाए या इसके ऊपर जल्दी गाइडलाइंस लेकर के आई जाए तो भारत सरकार ने सर कल 23 अक्टूबर 2020 को इस विषय पर गाइडलाइंस जारी की हैं ये गाइडलाइंस के क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं ये गाइडलाइंस हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है इन्हीं विषयों को लेकर के मैं आज की वीडियो से आपके सामने आ रहा हूँ तो दोस्तों कवरेज क्या है आज की इस वीडियो के वट इज द न्यू स्कीम ये नई स्कीम जो भारत सरकार लेकर के आई है जिसका नाम दिया गया है वो नाम क्या है वट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इस स्कीम का प्रिसाइसली स्पीकिंग ऑब्जेक्ट क्या है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम ये स्कीम किस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीरियड कवर्ड अंडर द स्कीम क्या रहने वाला है दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट्स भी हैं जो इस स्कीम में काम की हैं जो मैं आपके सामने विस्तार से जिनका डिस्कशन करूंगा तो जैसा दोस्तों भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी एक एफिडेविट के थ्रू अपनी बात रखी कि हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट के वेवर के संदर्भ में एक स्कीम लेकर के आएंगे तो वैसे ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डेट 15 नवंबर तक की एक्सपेक्टेड मांगी थी लेकिन अब भारत सरकार ने एक एस्टिमेट किया है कि लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपए का बर्डन उसके ऊपर आएगा इस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के वेवर के लिए और इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से एक लेटर नंबर टू अब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी डेटेड तेईस अक्टूबर दो हजार बीस जारी किया गया है सर इसमें पूर्णतः एक नई स्कीम आ रही है जिसका नाम लिया है स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिक्स मंथ्स टू द बोरोवर्स इन द स्पेसिफाइड लोन अकाउंट्स बिटवीन फर्स्ट ऑफ मार्च टू थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्ट अगस्त 2020 यानी दोस्तों जो मॉरेटोरियम का पीरियड आरबीआई द्वारा दिया गया एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के पीरियड के लिए उस पीरियड का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उस कंपाउंड इंटरेस्ट के वेवर के लिए ये स्कीम स्पेसिफिकली लेकर के आए हैं तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम क्या है जैसा भारत सरकार की ओर से जो इस स्कीम में स्पष्ट रूप से कहा गया है वही का ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं

लेकिन भारत सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट है ऐसा क्यों क्योंकि भारत सरकार सर जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का कंपनसेशन है वो बैंकों को करने वाली है यानी एक आम आदमी को जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट देना पड़ता वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अब उसे नहीं देना वो कंपाउंड इंटरेस्ट अब भारत सरकार उसकी ओर से बैंक को रिमवर्स करेगी इज टू प्रोवाइड एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट बाई वे ऑफ रिलीफ फॉर द पीरियड फ्रॉफ Period of 1st of March 2020 to 31st of August 2020 to the borrowers in a specified loan account. Such payment does not constitute a contractual, legal, or equitable liability of the central government and is only an ex gratia payment. टू देजिग्नेटेड क्लास ऑफ बोवर्स इन व्यू ऑफ कोविड नाइनटीन पेंडेमिक तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया यह हमारी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल या इक्विटेबल लाइबिलिटी नहीं है यह केवल एक तरीके का हमारी ओर से एक्सग्रेशिया पेमेंट है शॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं सर क्या हमारे लिए कॉमन मैन के लिए बोनस है जो भारत सरकार ने अपनी ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में जो हम देते वो पेमेंट अब भारत सरकार करेगी अब दोस्तों आपके सामने ये बात लेके आ रहा हूं एप्लीकेबलिटी ऑफ द स्कीम कैसे होगी

इस स्कीम में मोरेटोरियम का बेनिफिट एक्सग्रेशिया के रूप में सरकार से क्लेम करेंगी और आपको एक्सग्रेशिया का एंटाइटलमेंट रहेगा और नेशनल हाउसिंग बैंक एज द केस में भी अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड बी अ मेंबर ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकोग्नाइज बाय द आरबीआई यानी इन संस्थाओं से अगर मैंने लोन लिया है तो मैं इस एक्सग्रेशिया की स्कीम के लिए हकदार होऊंगा अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एज अ लेमैन मुझे समझने के लिए कि मैं इस स्कीम में कब एलिजिबल हूंगा वर ओवर्स इन द फॉलोइंग सेव लोन अकाउंट है फरवरी दो हजार बीस शेल बी एलिजिबल अंडर द स्कीम यानी उनतीस फरवरी 29 फरवरी 2020, 2020 को दोस्तों अगर मेरी सारी लिमिट्स टिव कैटेगरीज की ठीक है जो यहाँ पर एंटाइटल हैं दो करोड़ से ज्यादा की नहीं है तो मैं इस एक्सग्रेशिया स्कीम के लिए हकदार हूं इसमें कौन कौन से लोन आ रहे हैं दोस्तों एमएसएमई लोन्स एजुकेशन लोन्स हाउसिंग लोन्स कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज ऑटोमोबाइल लोन्स पर्सनल लोन्स टू द प्रोफेशनल एंड कंजम्पशन लोन यानी आपने अगर इनमें से कोई लोन ले रखा है दोस्तों तो आप इस एक्सग्रेशिया स्कीम के लिए हकदार हैं इट मीनस अदर लोन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी एलिजिबल क्राइटेरिया पर सर और मैं आपके सामने बात स्पष्ट रखना चाहता हूं एनी हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल फैसिलिटीज विद द विदिंग इंस्टीट्यूशन इज मोर देन रूपीज टू करोर सैक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग लिमिट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट अंडर दिसम यानी जिसका दो करोड़ से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग लिमिट है कंफ्यूजन है, या थोड़ा सा confusion है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपका उनतीस फरवरी दो हजार बीस का आउटस्टैंडिंग दो करोड़ रुपए तक का है तो आप प्राइमा फेसाई इसकीम में एलिजिबल है प्रोवाइडेड ऑल पर्टिकुलर एग्रीगेट अमाउंट सेंक्शन टू यू आउटस्टैंडिंग ऑफ यूर साइड फ्रॉम योर साइड शुड नॉट एक्सीड टू करोर आप इस एक्सग्रेशिया स्कीम के लिए एलिजिबल है अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और थोड़ी स्पष्ट व्यवस्था जो उसी पर्टिकुलर लेटर से आ रही है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है द फोर सेट एलिजिबिलिटी शल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग फर्दर कंडीशन एंड रिगुलेशन अकाउंट शुड बी स्टैंडर्ड

और पार्शली अवेल और नॉट अवेल द मोरेटोरियम ऑन रीपेमेंट अनाउंस बाई आरबीआई अगर आप ऐसे बोरोर हैं जिसने मॉरेटोरियम का लाभ ही नहीं लिया जो पूरे छह महीने के दौरान मार्च से लेकर अगस्त तक ई का रीपेमेंट करते रहे तो आपको भी सर एक नोशनल कैलकुलेशन से सरकार ये पर्टिकुलर बेनिफिट देने वाली है तो ऐसे लोग जो मॉरेटोरियम की वजह से पेमेंट नहीं कर पाए वो बेनिफिटेड होंगे और ऐसे लोग जिन्होंने इस दौरान पार्शियल या फुल पेमेंट किया है उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर जो इस पर्टिकुलर स्कीम में भारत सरकार की ओर से लाई गई है पीरियड कवर्ड अंडर द स्कीम पर सर मैंने आपको पहले भी बोला फिर रिपीट कराऊं पीरियड टू बी रिकॉर्ड फॉर क्रेडिटिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मैंशन इन क्लॉज थ्री अबाउ टू द एलिजिबल बॉरोवर्स एज पर क्लॉज फोर अबाव वुड बी फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी टू थर्टी ऑफ अगस्त दैट इज सिक्स मंथ और वन डेज पीरियड अगर कोई व्यक्ति ने इस पीरियड में यानी 31 अगस्त 2020 तक एक मार्च 2020 2020 से 31 अगस्त के बीच में दो हजार बीस से इकतीस अगस्त तो उसका जो रियम्बर्समेंट आएगा वो एक मार्च 2020 से जिस दिन तक उसने क्लोजर ऑफ अकाउंट किया है उसी पीरियड तक के ब्याज का भारत सरकार रिलेवेंट बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रियम्बर्समेंट करेगी दोस्तों ये जो माथापोड़ी इतनी हो रही है इसे एक एग्जाम्पल से आपके सामने रखना चाह रहा था कि देखिए मान लीजिए मैंने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इन महीनों में एक प्रकार से मोरिटोरियम लिया और मेरा एक होम लोन 35 लाख रुपए का साढ़े आठ परसेंट की रेट पर आउटस्टैंडिंग था ठीक इंटरेस्ट के ड्यूज जो मेरे नॉर्मल बनते सर वो क्योंकि मैंने कोई ई का पेमेंट नहीं किया तो हर महीने साढ़े का ड्यू बनता लेकिन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात थी तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करती सर मेरे पहले महीने के ब्याज को मेरे अगले महीने के मूल में जोड़ेगी फिर दूसरे महीने पर जो टोटल ब्याज होगा उसे तीसरे महीने के मूल में तो ऐसा मेरा जो मूल है सर वो इस प्रकार से बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंचता तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम पे दोस्तों केवस्था बनता, बनता नहीं होती तो मेरा ब्याज ड्यू बनता एक लाख अड़तालीस हजार सात सौ पचास तो ये जो रियम्बर्समेंट की स्कीम भारत सरकार लाई है इसके थ्रू मुझे बेनिफिट कितना है दो हजार छह सौ उनसठ रुपए अब अगर आप 35 लाख रुपए के लोन पे दोस्तों मात्र दो के बेनिफिट की बात करते हैं तो ये एक बहुत छोटी सी अमाउंट है लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन को जब आप ओवरऑल देखेंगे और जब सरकार ये कह रही है कि साढ़े छह हजार करोड़ रुपए का टोटल इंटरेस्ट बर्डन आएगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये अमाउंट अल्टीमेटली जाके भारत सरकार के लिए और बैंकों एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बड़ा अमाउंट निकल करके आएगा कट ऑफ डेट सर क्या है भारत सरकार ने कहा फॉर क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द रिस्पेक्टिवर अकाउंट फिफ्थ ऑफ नवंबर यानी जो भी आपका इस छह महीने के पीरियड का इंटरेस्ट है वो आपको पांच नवंबर 2020 तक रेलेवेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कर देगी और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है सर वो अपने क्लेम लॉन्च करेंगे रियम्बर्समेंट के लिए पंद्रह नवंबर दो के And this is possible only after crediting amounts to the account of the borrowers. So ये दो कट ऑफ डेट भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आपके सामने मैंने रखा तो दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भारत सरकार की स्कीम एक सराहनीय पहल है कि एटलीस्ट समथिंग एज कम आउट लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण पक्ष हैं सर जिनके ऊपर भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि इस पीरियड में बहुत सारे लोगों के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने कहीं ना कहीं या एन ने चेक लगाते रहे ई डेबिट करते रहे उसकी वजह से भी उनके खाते से पैसे डेबिट हुए ठीक है बैंक खाते में चेक बाउंस के चार्जेस लगे कुछ कम्युनिकेशन के चार्जेस संस्थाओं ने लगाए मेरा ऐसा मानना है सर आरबीआई को इस विषय पर भी क्लियर गाइडलाइंस लेकर के आना चाहिए कि अगर इस मोरेटोरियम के पीरियड में किसी से ईएमआई का पेमेंट नहीं किया इस एलिजिबल स्कीम के अंतर्गत तो ऐसी परिस्थिति में सर उस व्यक्ति को एडिशनल चार्जेस के नाम पर चेक बाउंस चार्जेस के नाम पर लेवी न लगाई जाए तो हालांकि दोस्तों ये दो करोड़ रुपए तक के लिमिट के हिसाब से जो क्वांटम निकलता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का वो कम है लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का अगर आप दूरगामी प्रभाव देखते ओवरऑल लोन पीरियड में तो वो काफी ज्यादा हो सकता था उस पॉइंट ऑफ व्यू मैं भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार और आरबीआई भारत के देश भारत देश के नागरिकों के प्रति एक सजग प्रहरी के रूप में काम करते हुए उनके हितों की भविष्य में और रक्षा करेंगे इसी उम्मीद के साथ दोस्तों जय हिंद थैंक यू वेरी मच